मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा हूं। मैं बहुत बार भारत सरकार के मंत्रियों से ये कहता हूं कि जब कोई दवा अमेरिका में बंद हो चुकी है, कनाडा में बंद है, यूरोप के देशों में बंद है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसे बंद करने का आदेश दे रखा है, तो आप उस दवा को भारत में क्यों बंद नहीं करते? तो इसका गोल गोल जवाब देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब ये होता है कि दवा बेचने वाली और दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमारे नेताओं को बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत देती, घूस, रिश्वत। और भ्रष्टाचार हमारे देश के हर विभाग में है। ये चिकित्सा का जो विभाग है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जो हमारे देश का विभाग है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। वैसे तो सभी विभाग भ्रष्ट हैं, लेकिन ये बहुत भ्रष्ट है। इसमें क्या होता है कि दवा बनाने के लिए कोई कंपनी अमेरिका से भारत आ जाती है और वो ऐसी दवा बनाने का लाइसेंस भारत सरकार से ले लेती है जो दवा बनाने का लाइसेंस उसे अमेरिका में भी नहीं मिलता। मैं आपको एक पूरा उदाहरण से बात समझाऊंगा। हमारे भारत में एक अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये अमेरिकन कंपनी है। ये भारत में सबसे ज्यादा वो दवा बेचती है जो दवा अमेरिका में ना बनाई जाती है ना बेची जाती है। उस दवा का नाम है विक्स। विक्स नाम की दवा आप बाजार से खरीदते हैं। इस दवा को अमेरिका में बनाना और इसको बेचना दोनों जुर्म है। अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर किसी मरीज को विक्स का प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो उस डॉक्टर को 14 साल की जेल हो जाती है, उसकी डिग्री छीन ली जाती है। कारण आप पूछोगे क्यों? विक्स जो है जहर है, इसे हम बार बार नाक में लगाते हैं सर्दी जुकाम के हिसाब से। आपको मालूम नहीं है ये विक्स आपको दमा कर सकती है, अस्थमा कर सकती है, ब्रोंकियल अस्थमा आपको हो सकता है विक्स बार बार लगाने से। इसलिए दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस विक्स को जहर घोषित किया है। जो जहर है विक्स वो भारत में सबसे ज्यादा बिकता है। आप रायगढ़ में किसी केमिस्ट की दुकान पर सवेरे से शाम तक खड़े होकर ये देखिए कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा बिक रही है, तो वो एक ही दवा है विक्स। जो दवा अमेरिका में नहीं बिक सकती वो भारत में हाईएस्ट सेलिंग मेडिसिन है, सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा। कारण क्या है? हमारे देश की सरकार ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को लाइसेंस दे रखा है विक्स बनाने का और वो धड़ल्ले से बना रही है। टेलीविजन पे रोज उसका विज्ञापन आता है, जबकि कानून के हिसाब से किसी दवा का विज्ञापन टेलीविजन में नहीं दिया जा सकता, ये कानून है। हमारे भारत में भी ये कानून है, अमेरिका में तो है ही ये कानून। सैकड़ों बार आता है और सरकार कुछ करती नहीं, क्योंकि वो सरकार ही है जो उसको लाइसेंस देके बैठी है। और ये कैसे होता है? ये पैसे की ताकत से होता है, रिश्वत से होता है, घूसखोरी से होता है। टेलीविजन में आपको बताया जाता है कि खांसी हो गई है तो विक्स की गोली लो, गले की खिचखिच दूर करो, ये अपराध है बोलना, टेलीविजन पे क्राइम है, कानून के हिसाब से ये क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है, कारण उसका घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, और वो दवा हम खरीद रहे हैं। और ये दवा भी हम जब खरीदते हैं ना, विक्स तो कितनी महंगी मिलती है, 25 ग्राम विक्स 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की है, 100 ग्राम 160 की है, 1 किलो 1600 रुपए की है। अब 1600 रुपए किलो विक्स हम नाक में लगा रहे हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खा रहे, 200 रुपए किलो काजू नहीं खा रहे, 300 रुपए किलो गाय का घी नहीं खा सकते, 1600 रुपए किलो की विक्स लगा लेते। आपको मालूम है ये विक्स बनती किससे है? ये बनती है
पेट्रोलियम जेली से, और पेट्रोलियम जेली अगर बाजार से आप खरीदो तो 60-70 रुपए किलो में सबसे अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। घटिया क्वालिटी की पेट्रोलियम जेली खरीदो 15-20-25 रुपए किलो में मिल जाती है। तो जो दवा 50-60 रुपए किलो में बाजार में मिल रही है पेट्रोलियम जेली, उसको एक अमेरिकन कंपनी 1600 रुपए किलो में बेच रही है। ऐसी लूट मचा रखी है इस देश में। अगर आप गणित का हिसाब निकालेंगे तो विक्स की बिक्री में इस प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को 20,000% से ज्यादा का मुनाफा है, और ये मुनाफा आपकी जेब से लूटा जा रहा है, और सरकार इस घोटाले में शामिल है। सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, आंखें बंद कर रखी हैं, कंपनी लूट रही है पूरे देश को, और दवा ऐसी बेची जा रही है जो कहीं नहीं लगती पूरी दुनिया। हम सब लोग विदेश प्रवास पे जाते रहते हैं और कई बार वहां के डॉक्टर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों से बातें करते हैं, तो वो हैरानी से हमसे ये पूछते हैं कि भारत में ये कैसे संभव होता है कि एक पॉइजन मेडिसिन को बेचा जाता है, एक जहर दवा को बेचा जा सकता है भारत।